हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमने लाया है आपके लिए एक फिर एक नया तरीका, एक यूनिक तरीका। जो आज हम वाटर टैंक जो बिठाते हैं, जिसको टाँकी कहते हैं, जो 700 लीटर 800 लीटर जो 900 लीटर की जो टाँकियाँ होती है जो हम बिठाते हैं, आज हम इसको टैंक निप्पल को बिठाने का आपका एक आसान और ईजी तरीका बिठाएंगे, बड़ी सफाई से जो बैठता है। तो हमारी वीडियो को देखते रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और आज हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि टैंक में किस तरह से होल किया जाता है, किस तरह से टैंक निप्पल बिठाया जाता है, जिससे कि लीकेज के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और काफ़ी आसान और यूनिक तरीका है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को और कुछ सीखते हैं। ये हमारी टाँकी है और ये टाँकी निप्पल है, हम इसका मार्किंग कर रहे हैं। ये ज़मीन टाँकी के तलवे से हमको एक उंगली रख के मापना है और मार्किंग करना है। ये मार्किंग करने के बाद हम होल करेंगे इसमें टैंक निप्पल लगाने के लिए। तो बड़ी आसानी से इससे होल हो जाता है, राउंड होता है। और प्लस जो है कि हम होल छोटा मारते हैं, फिर ये खुद ट्रेड बना के ऊपर चढ़ते कि ये इस तरह का पाना आता है और ये धीरे धीरे इससे होल मारते हैं। काफ़ी यूनिक तरीका है दोस्तों, बहुत अच्छे से होता है, सफाई से होता है। और मेन जो है वो होल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम पानी को एडजस्ट करते हैं और कम होल बनाते हैं ताकि हमारा टैंक निप्पल उसमें टाइट बैठे। देखिए ये होल हो गया, कितने सेकंड में होल हो गया और बराबर राउंड होल हो जाता है। अगर थोड़ा छोटा होता है, अभी हम टैंक निप्पल लगा के देख रहे हैं, थोड़ा छोटा होल है ये, क्योंकि हमारा टैंक निप्पल टाइट जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा टाइट जा रहा है या नहीं जा रहा है तो हम थोड़ा इसी फाइल रखते हैं। देखिए सुतार लोग जो फाइल रखते हैं लकड़ा घसने की, हम इसी फाइल रखते हैं। हम चारों तरफ मार देते हैं इसको, थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि हमारा टैंक निप्पल आसानी से इसके अंदर, आसानी से मतलब टाइट जावे और खुद ट्रेड बनाते हुए जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि लीकेज के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि खुद ट्रेड बनाते हुए जाता है हमारी टैंक की इस जगह को ट्रैक आटा बनाते हुए जाता है। देखिए अभी हम रखेंगे और इसको ताकत से थोड़ा लगा के, जब थोड़ा अभी भी कम है, थोड़ा और घसेंगे हम चारों तरफ, हमारा राउंड एकदम बराबर घसा जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम हमको ऐसे नहीं घसना है, चारों तरफ घुमा के घसना है। और उसके बाद हम इसको टैंक निप्पल जब लगाएंगे तो लीकेज के चांसेस दोस्तों 1% रहते हैं, बाकी नहीं, कोई चांस नहीं है। तो देखिए दबा के ज़रा हम जब इसको बैलेंस में रख के घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद अंदर जाता है। अभी अंदर का टाँकी के अंदर है, मैं चेक नट लगा रहा हूँ। एक वाशर रखेंगे, एक वाशर सामने से लगेगा, एक वाशर यहाँ से। और अब मैं यहाँ से टाइट किया हूँ, हमारा पार्टनर जो बाहर पाना लगाया है, देखिए घुमा रहा है। और पहले हम धीरे धीरे हाथ से टाइट कर दूंगा मैं, जब हल्का सा टाइट हो जाएगा, सर ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है दोस्तों हमको। अब मैंने अपना ये मंकी पकड़ है, इसको मंकी पकड़ कहते हैं, इसको मैंने लगाया है और मेरा पार्टनर बाहर से धीरे धीरे टाइट कर रहा है। और हमको उतना ही टाइट करना है जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, ताकि रबड़ हमारा आगे का रबड़ जो फैल जाए या पीछे का रबड़ फैल जाए। आगे का रबड़ फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा जब तुम हम टाइट करते हैं तो रबड़ फैल जाता है। तो हमको एक लिमिट के हिसाब से टाइट करना है। और ये देखो दोस्तों हो गया है, काफ़ी फिनिशिंग से हमने बिठा दिया है। अब ये हमारे वो आउटलेट का था, ये हमारे ओवरफ्लो का है, तो इसको भी हम करेंगे इसी तरह होल ड्रिल से मारेंगे। काफ़ी फिनिशिंग से होता है और काफ़ी सफाई से, और 1 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों। अब बड़ी ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है हमको, धीरे 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 मारना है और ये काफ़ी आसानी से होल हो जाता है। होल हम पाइप को गर्म करके भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उससे पीछे जो है बुरादा निकल जाता है, जिससे लीकेज के चांसेस होते हैं। और जब हमारा गर्म पाइप हिलता है तो हमारा जो ये टैंक निप्पल का जो टैंक में हम होल मारते हैं, ये गर्म से क्या हिलता है हाथ, तो होल बड़ा हो जाता है। अब देखिए ये बैठ गया, अब धीरे धीरे हम उसको घुमाएंगे, खुद अपना ट्रेड बनाते हुए जो है धीरे 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 ये अंदर जाता है और काफ़ी फिनिशिंग से और बैठता, लीकेज के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसीलिए था कि आप भी देखें और समझें। और फिर इसी तरह से हम ये हमारा इनलेट है जो, तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने आपको ये वाटर टैंक के अंदर हमने आपको होल मार के बताया है। और ये जो की पाना जो होता है, ये सुतार लोग यूज़ करते हैं, जो की पाना कहते हैं इसको, जो ड्रॉ वगैरह के जो
पहले जो ताले के लिए गोल काटा जाता था ये उसके लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन मैंने इसका यूज़ टैंक में होल मारने के लिए किया है। और फाइल का इस्तेमाल किया है, जो लकड़े पे जो हम घसते हैं वो फाइल आप ले लें, हाफ राउंड फाइल, उससे हमने पूरा काम किया। काफ़ी फिनिशिंग में ये काम होता है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है और वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगा। और वीडियो में अगर साफ तरीके से नहीं दिख रहा है, अगर आप खुद प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान तरीका है। और ये तो रही बात कि हम ड्रिल मशीन से होल मारते हैं दोस्तों, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई ये सोचे कि अगर ड्रिल मशीन ना हो तो कैसे किया जाए, तो उसके भी तरीके होते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली कोई वीडियो में जब हमको कोई ऐसा काम मिलेगा टैंक का, तो हम वो भी बताएंगे आपको कि बिना ड्रिल के आप किस तरीके से टैंक निप्पल के होल बना सकते हैं और टैंक निप्पल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं सफाई के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और आगे तक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग कुछ ना कुछ सीखें। और हमारी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ करते रहता हूँ और हर चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और काम के साथ, किसी और विषय के साथ। तो जब तक के लिए दोस्तों,